Good कल के लेक्चर में कोई भी डाउट हो, कल हमने पार्टीशन शुरू किया था, कोई भी डाउट हो तो पहले पूछ लो। गुड आफ्टरनून सर. आफ्टरनून। अब जो आगे टॉपिक आ रहे हैं वो कोई ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल टॉपिक है, सिंपल सिंपल। बस आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है, उसकी डेफिनेशंस पे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, बारी बारी स्विच करेंगे हम, या मैं सर. गुड आफ्टरनून सर. जी बोलो बोलो। सर, वो जो उस दिन आपने इंटरसेक्शन को अज्यूम एक्स अज्यूम करा के 3 सेट वाला वो जो क्वेश्चन करवाया था सर, वो एक बार उसकी स्क्रीन शेयर कर दो. उसका क्लिक लेना है एक. क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो बच्चे? पता क्या करो, एक एक काम करो, वो जो टॉपिक का है ना क्वेश्चन, तो आप LMS एक्सेस करते हो ना, आपकी यस जितनी सर. भी अपने जितने भी लेक्चर्स हैं ना वो सारे वहां पर हैं, ठीक है? ओके टॉपिक वाइज मैंने डन. टाइटल दिया हुआ है आपका, वो जो भी टॉपिक था, जैसे आई थिंक वो कार्डिनलिटी के क्वेश्चंस होंगे तो कार्डिनलिटी में वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है? ओके हाँ अभी मुझे जी सर. एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो किस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में है, क्या वो सेव्ड भी है कि नहीं है, सो आप उसमें आप कर लेना, देख लेना, नहीं पता लगेगा तो फिर एक बार फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा क्वेश्चन। चलो मूव करते हैं आगे। ओके कल हमने पार्टीशन से शुरू किया था, फटाफट मैं आपको पार्टीशन की एक बार एक ग्लिम्स दे देता हूँ। तो पार्टीशन बेसिकली क्या होती है, किसी सेट की पार्टीशन क्या होती है, ये सबसेट होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, ठीक है? तो सेट से हमने उसके सबसेट बना लिए, और इस तरीके से बनाए कि जितने भी वो सबसेट थे उन सब की यूनियन की जाए तो वापस वो सेट बनना चाहिए, और कोई भी दो पार्टीशंस या दो सबसेट उनकी इंटरसेक्शन की जाए तो रिजल्ट फाई आना चाहिए, ठीक है? एनी टू डिस्टिंक्ट पार्टीशंस PI एंड PJ, देयर इंटरसेक्शन मस्ट बी फाई MT, ठीक है? तो ये कल हमने किया था, तो इसका एक क्वेश्चन तो हमने देखा ही था कल। तो ऑब्वियसली आपको दो प्रॉपर्टीज की दी हुई हैं, आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैंने आपको बता दिए थे कि आपको कुछ सबसेट्स ये होंगे कि ये इस सेट से हमने कुछ सबसेट बनाए हैं, फाइंड आउट करो कि ये पार्टीशन है या नहीं है, तो आपने बस चेक करना है कि वो दो प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि आपको जितने भी सबसेट दिए हुए हैं उन सबको यूनियन कर देना आपने एक साथ। जब आपने उनको यूनियन किया, अगर वो आपके गिवन सेट के बराबर आ गए तो प्रॉपर्टी वन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर आपने प्रॉपर्टी टू चेक करनी है। प्रॉपर्टी टू जब आपने चेक की तो जितने भी आपके सबसेट दिए हुए हैं उनको आपने हर एक कॉम्बिनेशन में उनकी इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है, ठीक है? और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते वक्त अगर किसी भी एक इंटरसेक्शन का रिजल्ट फाई नॉन फाई आ गया, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट उसमें कॉमन आ गया, तो आपका ये जो सबसेट का एक कलेक्शन था ये पार्टीशन नहीं होगा। लेकिन अगर सारे के सारे इंटरसेक्शन फाई आ गए तो दूसरी प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, और इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो गिवन कलेक्शन थी सबसेट की वो आपकी गिवन सेट की पार्टीशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेट ए है 1 2 3, जी ठीक? सर. हाँ जी हाँ जी। सर आशिमा को ऐड कर लो. सर वो कह रही सर ऐड नहीं कर रहे. अच्छा ऐड नहीं हो? ओके ऐड नहीं ओके कर ओके रही ओके सर. ओके 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 हाँ, मैंने अभी सर स्क्रीन भी शेयर आप नहीं की है शायद आप साथ, एक सेकंड रुको, स्क्रीन शेयर करने दो पहले मेरे को। ओके आई गेस सभी आप ऐड भी हो हो गए जाए। सर.
हाँ जी बोलो बोलो। काफी बच्चे बोल रहे हैं कि हमारी क्लास को दोबारा बोलना। स्टूडेंट्स की क्लास कनेक्ट नहीं हो रही। नहीं बच्चे, 36 पार्टिसिपेंट्स आर ऑलरेडी देयर। और कौन है, नाम बोलो। दे आर ज्वाइनिंग, ज्वाइन इनको बोलो एक बार फिर ज्वाइन करें। मैं एक मिनट वेट करता हूँ। अगेन दे आर एक्चुअली कमिंग। क्या नाम है उनके बताओ। जस किरण, जिस किरण है एंटर्ड आई गेस रोल नंबर 1 ऑफ BCA। यस सर, एंटर हो चुकी है। ओके तो चल। हाँ हाँ बोलो सर। एक मानप्रीत लड़की है। अच्छा, अब वो यहाँ पर आएंगे तो एंटर करूंगा ना। अब तो कोई भी मीटिंग रूम में है ही नहीं है। मनप्रीत कौर भी आ चुकी है। आई डोंट नो। हाँ 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 सारे एंटर हो चुके हैं बच्चे। तो चलो एक बार फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ। सेट सेट पार्टीशन क्या होता है। एक सेट आपको एक सेट दिया होगा और उसके साथ कुछ सबसेट दिए होंगे। और लेट से एक सेट होगा और दो या दो से ज्यादा सबसेट दिए होंगे। और वो पूछेंगे कि ये दो या दो से सबसेट जो दो या दो से ज्यादा सबसेट जो दिए हुए हैं, क्या ये हमारे गिवन सेट की पार्टीशन है कि नहीं है। ये आपको चेक करने के लिए क्वेश्चन आएगा। ये चेक करना बिल्कुल सिंपल है। आपने पहला स्टेप क्या करना है, आपने जितने भी सबसेट दिए हुए हैं सबकी एक साथ यूनियन कर देनी है। अगर आपका रिजल्ट सेट के बराबर आ जाता है जो गिवन है, तो क्या होगा, आपकी पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी चेक करने के लिए, आपको जितने भी सबसेट दिए हुए हैं आपने दो दो करके उनकी इंटरसेक्शन, दो दो के कॉम्बिनेशन में उनकी इंटरसेक्शन कर देनी है। अगर सारे इंटरसेक्शन के रिजल्ट 5 आ गए तो दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो आपके अगर आपकी कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने से रह जाती है, अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आता है उसका, तो वो पार्टीशन गिवन सबसेट जो है वो आपकी पार्टीशन फॉर्म नहीं करते हैं। Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Okay, एक एक क्वेश्चन करते हैं इसका और कल आई थिंक कल एक क्वेश्चन किया था और एक क्वेश्चन आज करते हैं और फिर हम मोन कर जाएंगे आपकी अगली क्वेश्चन पे। तो लेट अस सपोज मेरे को जैसे क्वेश्चन यहाँ पर नजर आ रहा है, आपकी एग्जाम्पल 3 है पेज नंबर 63 पे। तो इसके बेसिस पे मैं आपको करवाता हूँ। तो ये क्वेश्चन क्या है कि एक आपको सेट दिया हुआ है A1। A1 में एलिमेंट है 1, 3, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, 1, 3, 5 एंड सो ऑन। और एक आपको सेट दिया हुआ है A2। उसमें दिए हुए हैं एलिमेंट 2, 4, 6 एंड सो ऑन, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, और उसने पूछा है कि इज ये जो कलेक्शन है A1 और A2, क्या ये इज A1 A2 अ पार्टीशन ऑफ ऑफ Z। और ये जेड क्या होते हैं, जेड क्या होते हैं बच्चे, इंटीजर। ठीक है, तो पहले उसने ये बोला कि A1 और A2 सेट दिए हुए हैं, क्या ये इस सेट की पार्टीशन है। तो पहली प्रॉपर्टी के लिए आप क्या करोगे, A1 की यूनियन कर दोगे A2 के साथ। तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑब्वियसली 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, 7, 8, 9, 10 एंड अप टू इंफिनिटी तक, 6 एंड सो ऑन। ये क्या बिलोंग करता है इंटीजर को, क्या ये इंटीजर के बराबर है, बिलोंग नहीं, इंटीजर के बराबर है, इंटीजर के बराबर है ये। यस सर, टेन पॉजिटिव। यस सर, नहीं है बच्चे, नहीं है, नहीं है। नेगेटिव नंबर कहाँ है, नेगेटिव नंबर तो नहीं है, ना ही 0 है। तो ये बराबर इंटीजर्स के नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई है। तो लिख दो, प्रॉपर्टी 1 इज नॉट, प्रॉपर्टी 1
is not satisfied. Hence, A1, A2 is not a partition of Z. बस ये आंसर आ गया आपका. इज इट ओके? बड़े ध्यान से देखना. ये देखो, सपोज अगर यहां पर आपको ना नेगेटिव नंबर भी दिए होते, ठीक है, यहां नेगेटिव नंबर भी दिए होते, फिर भी बड़े ध्यान से देखना आपने कि कोई भी एक नंबर मिस नहीं होना चाहिए. जैसे मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूं, ये क्लियर है ना? अगले क्वेश्चन में मूव करूं? यस सर. किसी का डाउट है तो बच्चे पहले पूछ लो. चलो एक क्वेश्चन मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कराता हूं. एग्जांपल टू, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्टीशन ऑफ सेट एन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, अब इसने कहा है कि सेट एन की पार्टीशन इनमें से कौन सी है. सेट एन मतलब नेचुरल नंबर्स. तो हम एक पार्ट ही सॉल्व करते हैं यहां पर, बी और सी आप देख लेना. तो ये दिए हुए उसने दो पार्टीशन, एन, एन इज ग्रेटर देन फाइव. दूसरा सेट दिया हुआ है उसने एन, एन लेस देन फाइव. ठीक है, तो ये दो उसने सेट दिए हुए हैं आपको. इज इट ओके? तो अब देखो, एक को मैं मान लेता हूं ए वन है. जैसे जो पहला दिया हुआ है, लेट से वो ए वन है. इसमें बच्चे कौन से एलिमेंट आएंगे एन ग्रेटर देन फाइव वाले? कौन से एलिमेंट आ सकते हैं इसमें? फटाफट बोलो. इसमें एन आ सकता है, और एन क्या है? पांच से बड़ा है. तो पांच से बड़े कौन से एलिमेंट होंगे? बिल्कुल, सिक्स सेवन नाइन सोन. ठीक है, और दूसरा आप ये लेट करना है. ठीक है, हमने क्योंकि दिया तो हुआ नहीं है तो हमने लेट किया किसका नाम ए वन है, दूसरे का नाम हमने ए टू कर दिया. अब इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? एन इज लेस देन फाइव, पांच से छोटा है एन. कौन से एलिमेंट आएंगे? वन टू थ्री फोर और माइनस वाले भी आएंगे. यस yes. जीरो भी आएगा, माइनस वन भी आएगा, माइनस टू भी आएगा. सो ऑन से माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर. क्योंकि यहाँ पर उसने बोला थोड़ा ना कि बच्चे सिर्फ नेचुरल नंबर है, एन तो कुछ भी हो सकता है. पांच से छोटे तो नेगेटिव नंबर भी पांच से छोटे ही है. तो ए वन और ए टू की यूनियन करो तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव नंबर से चलते चलते माइनस टू आ गया, माइनस वन आ गया, जीरो आ गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फाइव तो आया ही नहीं वैसे, सिक्स सेवन एट नाइन एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये देखो नेगेटिव नंबर आ गए तो ये नेचुरल नंबर के बराबर नहीं है. नहीं है तो प्रॉपर्टी वन ही हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई है. ऐसे ही आप दूसरा पार्ट भी अगर देखो तो दूसरे पार्ट में तीन चीजें दी हुई है, एन ग्रेटर देन फाइव ये वाला, जीरो दिया हुआ है, और ऑब्वियसली बच्चे जीरो आ गया तो नेचुरल नंबर में जीरो तो होते ही नहीं है. तो यूनियन करोगे अगर उसमें जीरो आ गया तो वो दूसरा भी इसी तरीके से आपका नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है. ठीक है, और सी को अगर आप करते हो, सी को अगर आप करते हो, लेट से एन स्क्वेयर ग्रेटर देन इलेवन एंड एन स्क्वेयर लेस देन इलेवन. ठीक, तो इसमें आपके सारे नंबर आपके नेगेटिव वाले भी आ जाएंगे. तो इसलिए ये भी आपकी पार्टीशन नहीं है. बुक में आपको उसने इसको पार्टीशन शो किया हुआ है, बट एक्चुअल में ये पार्टीशन नहीं है. क्योंकि ये देखो, एन स्क्वेयर अगर 11 से बड़ा है सपोज, तो माइनस तीन भी आ सकता है ना. माइनस तीन का स्क्वेयर भी क्या होता है, सॉरी माइनस पांच कर देता हूं मैं यहाँ पे. माइनस पांच का स्क्वायर क्या होता है? 25, जो कि 11 से बड़ा है. तो नेगेटिव नंबर भी आपके आ जाएंगे. इज इट ओके? यस सर.
अच्छा बुक में आपको उसने थोड़ा सा यहाँ पर ना क्लैरिटी नहीं दी हुई है, उसने ये बोला एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन 11, तो आप लेट से अब एन की वैल्यू क्या निकालोगे जो 11 से बड़ी होगी। अगर मैं 4 डालता हूँ ठीक है, तो 4 स्क्वायर कितना होता है 16 है ना, तो 11 से बड़ा ही होगा ना 16। ऐसे ही बच्चे अगर -4 भी डालता हूँ तो वो भी देखो 16 ही आएगा उसका रिजल्ट भी, तो 4 भी आएगा डेफिनेटली और -4 भी आएगा ठीक। और क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि n जो है वो पॉजिटिव ही है, लिखा है कहीं क्वेश्चन में? नो सर। तो फिर हम नेगेटिव नंबर क्यों नहीं ले सकते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं। और बुक में ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मिसगाइड करने वाला है क्योंकि उसने नेगेटिव नंबर कंसीडर ही नहीं किए हैं जो कि करने थे एक्चुअल में, क्योंकि कहीं पे भी यहाँ पर दिया नहीं हुआ है एन लेस देन 5 बोला उसने, ये नहीं बोला है कि एन इज पॉजिटिव। सो ओके आई होप यू गॉट एन आइडिया ऑफ पार्टीशन कि आपको जितने भी सेट दिए होंगे सबकी यूनियन कर देनी है, अगर वो आपके मेन सेट के बराबर आ जाता है फिर आपने दूसरी प्रॉपर्टी देखनी है ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम ऐसा भी कर लेते हैं जिसमें पार्टीशन आ जाए, तो मैं आपको एक वो क्वेश्चन करवाता हूँ। लेट से A1 आपको दिया हुआ है n, n इज डिविजिबल बाय 2 ठीक है, और n जो है वो इंटीजर है ठीक है, और n डिविजिबल बाय 2 है। दूसरा आपको A2 दिया हुआ है, इसमें n भी इंटीजर है अगेन, और n इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो लेट से ये दो आपको दी हुई है पार्टीशन में और पूछा गया है कि k a1 a2 इंटीजर की पार्टीशन है या नहीं है ठीक। तो पहले तो आप इनकी यूनियन करोगे a1 यूनियन a2, तो रिजल्ट क्या आएगा, इसमें कौन से नंबर आएंगे? तो माइनस 4 माइनस 2 ऑब्वियसली सो ऑन से चलते चलते -4 -2 0 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा एंड सो ऑन। और इसमें इन्फिनिटी से चलते माइनस इन्फिनिटी से चलते चलते -3 -1 1 0 नहीं आएगा बच्चे, 0 तो डिवाइड हो जाता है 2 से, 2 0 0 ठीक है, तो 0 नहीं आएगा। तो जब यूनियन करेंगे तो ऑब्वियसली माइनस इनफिनिटी से चलते चलते -4 -3 -2 -1 0 भी आ गया, 1 2 3 सारे एलिमेंट आ गए ना इंटीजर के, कोई छूटा तो नहीं, तो ये इंटीजर के बराबर आ गया। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई हमारी सेटिस्फाई। दूसरी प्रॉपर्टी में हमने क्या करना है, ये करना है हमने, तो वो कुछ भी नहीं आया, खाली आया क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है ठीक है, या आप कह दो फाई। इधर ओके। और बच्चे एक और चीज याद रखना कि अगर आपको लेट से 3 सेट दिए हुए हैं A1 A2 A3, यूनियन आपने तीनों की एक साथ ही करनी है, इंटरसेक्शन करते वक्त आपने दो दो के कॉम्बिनेशन में करनी है। जैसे अगर 3 सेट दिए हुए हैं, पहले आपने A1 A2 की इंटरसेक्शन करनी है, पहले A1 के साथ सबकी इंटरसेक्शन कर लेना, A1 की A2 से, A1 की A3 से, उसके बाद फिर A2 को शुरू कर लेना। A2 की किसके साथ करेंगे, A3 के साथ। A2 की वापस A1 से ना कर देना क्योंकि ये ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है। इधर ओके, आगे मूव करें, पार्टीशन क्लियर है? ओके। अब इसको बड़े ध्यान से सुनना, मिन सेट को, इसको ना फंडामेंटल प्रोडक्ट भी बोलते हैं ठीक है। मिन सेट क्या होता है या फंडामेंटल प्रोडक्ट क्या होता है इसकी, पीछे वाली करोगे? हाँ बोलो। ओके सर। ओके।
ओके मिन सेटअप अब मेन सेट में क्या होता है बच्चे पहले इसकी डेफिनेशन बड़े ध्यान से सुनो कंसीडर सबसेट्स बी वन बी टू एंड सो ऑन बी एन मतलब कितने भी हो सकते हैं ऑफ सेट ए जैसे पार्टीशन करते वक्त हम सबसेट बनाते थे ना वैसे ही बहुत सारे सबसेट लेट से दिए हुए हैं एक किसी एक बड़े सेट के एक सेट ए है बड़ा सेट है और उसके कुछ सबसेट दिए हुए हैं हमको बी वन बी टू दो भी हो सकते हैं दो से ज्यादा भी हो सकते हैं ठीक है अब देन सेट ऑब्टेन्ड बाय द रिजल्ट ऑफ डी वन इंटरसेक्शन डी टू इंटरसेक्शन और जितने भी आपके ये दिए हुए हैं ना मतलब यहां पर एन सेट दिए हुए हैं अगर एन सबसेट दिए हुए हैं तो एन ही आपके डीज भी होंगे इसको बोलते हैं मिन सेट और ये डी क्या होंगे अब ये डी वन डी टू डी थ्री ये क्या होंगे ये डी क्या होंगे आपके या तो ये बी होंगे या बी के कॉम्प्लीमेंट होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग आई में एक एग्जाम्पल जैसे मैं आपको नीचे देता हूं पहले डेफिनेशन में एक बार दोबारा बोलता हूं लेट से एक सेट मेन सेट आपको दिया हुआ है ए उसके बहुत सारे सबसेट दिए हुए हैं दो तीन चार लेट से जितने भी हैं हम चार कंसिडर कर लेते हैं बी वन बी टू बी थ्री बी फोर चार दिए हुए हैं आपको तो वो कह रहा है कि जो सेट होगा इसके रिजल्ट का डी वन डी टू डी थ्री और डी फोर डी वन इंटरसेक्शन डी टू इंटरसेक्शन डी थ्री इंटरसेक्शन डी फोर इसको हम ना मिन सेट बोलेंगे ठीक है और अब इसमें डी क्या है इसमें जो डी वन होगा वो होगा या बी वन के बराबर या वो होगा बी वन के कॉम्प्लीमेंट के बराबर ऐसे ही डी टू क्या होगा या तो वो बी टू होगा या बी टू के कॉम्प्लीमेंट होगा डी थ्री क्या होगा बी थ्री होगा या बी थ्री का कॉम्प्लीमेंट होगा डी फोर क्या होगा बी फोर होगा या बी फोर का कॉम्प्लीमेंट होगा ये चीज क्लियर है इस एक्सप्रेशन को बच्चे मिन सेट बोलते हैं ठीक है इस एक्सप्रेशन को ये वाला इज इट ओके डेफिनेशन क्लियर है इज इट क्लियर बच्चे एक बार फिर समझा दो एक बार पूरी तरह से क्लियर हो एग्जांपल लेकर बता दीजिए हाँ एग्जांपल चलो एग्जांपल के साथ चलते हैं हम ठीक है तो मैं साथ साथ डेफिनेशन भी बोलता हूँ एग्जांपल भी बोलता हूँ लेट से हमें एक सेट दिया हुआ है ए इसमें हमें एलिमेंट दिए हुए हैं लेट से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट ठीक है और हमें तीन सबसेट दिए हुए हैं बी वन ठीक है बी वन में लेट से है वन थ्री फाइव बी टू बी टू में हमारे पास है लेट से टू फोर और एक दिया हुआ है बी थ्री उसमें लेट से हमें दिया हुआ है सिक्स सेवन और एट ठीक है तो एक सेट दिया हुआ है और हमें बी वन बी टू बी थ्री इसके तीन सबसेट दिए हुए हैं लेट से ये बी थ्री है ठीक है तो अब इस एक्सप्रेशन को डी वन इंटरसेक्शन डी टू इंटरसेक्शन डी थ्री इसको हम बोलेंगे मिन सेट ठीक है और ये डी क्या है आपके ये वही है ये बी ही है या तो वो ट्रू फॉर्म में आएंगे या कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में मतलब अगर मैं इसको ये ऐसे लिखूं लेट से एक मैंने डी वन डी टू ऐसे बनाया लेट से डी वन इंटरसेक्शन डी टू इंटरसेक्शन डी थ्री पहली मैंने ऐसे बना दिया बी वन बी टू और बी थ्री का मैंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो ये क्या है ये आपका मीन सेट है बच्चे क्लियर हुआ थोड़ा सा डिटेल में आपको और भी बताऊंगा अभी इतना क्लियर हुआ डेफिनेशन क्लियर हो गई ना कि मीन सेट क्या होता है एक सेट उसके बहुत सारे सबसेट दिए होंगे और मीन सेट क्या होगा
मिन सेट एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें वो सारे के सारे सबसेट आएंगे और उनकी इंटरसेक्शन होगी सबकी आपस में, और वो सारे के सारे सेट या तो ट्रू फॉर्म में होंगे मतलब बिना कॉम्प्लीमेंट के, या वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होंगे मतलब कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो देखो तीन सेट दिए थे, तीनों सेट आए हैं, या तो वो ट्रू फॉर्म में आए हैं या वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आए हैं, और तीनों की साथ में इंटरसेक्शन हुई है, इसको बोलते हैं मिन सेट। क्लियर है? यस सर। ओके, आप जैसे मैं आपको बताता हूं आगे, अगर आपको ना एन सबसेट गिवन है, जैसे इस केस में आपको कितने सबसेट गिवन है, तीन, तो आपके कितने मिनसेट बनेंगे, टू पावर एन मतलब टू पावर थ्री, आठ मिनसेट बनेंगे आपके टोटल, और वो आठों के आठों में दिखाऊंगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं मैं आपको, ठीक। जैसे कि ये एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दो सेट वाली ली है, बी वन और बी टू, लेट से ये दो सबसेट है ए के, तो चार मिनसेट कौन से होंगे, ये होंगे चार मिनसेट। पहले हमने दोनों कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ले लिए, बी वन भी कॉम्प्लीमेंट में, बी टू भी कॉम्प्लीमेंट में, अगली बार हमने एक कॉम्प्लीमेंट में लिया, दूसरा ट्रू फॉर्म में लिया, तीसरी बार में हमने पहला वाला ट्रू फॉर्म में लिया, दूसरे वाला कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, और चौथी बार हमने दोनों ट्रू फॉर्म में लिए। इज इट क्लियर? बोलो बच्चे, क्लियर है? Yes, sir. हाँ चलो आगे मूव करते हैं। मैं आपको ये जो ऊपर क्वेश्चन कराया था ये वाला, इनके सभी मिन सेट मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार, ए सेट आपका था वन टू से लेके एट तक था ना, और बी वन आपका था वन थ्री फाइव, बी टू आपका था टू और फोर, और बी थ्री आपका था सिक्स सेवन एंड एट, है ना, यही था। तो अब देखो, अब इसके ना देखो तीन सेट है, अगर तीन सबसेट दिए हुए हैं तो कितने मिन सेट बनेंगे, टू पावर थ्री, आठ। अब मैं एक चीज आपको बताने वाला हूं, ये चीज भी बहुत आपके काम ही आएगी आगे, तो बड़े ध्यान से इसको सुनना। अब आठ कैसे बनेंगे, एक लो बी वन बी टू, ये रफ वर्क में करना ठीक है, ये फेयर वर्क में ना करना, ये बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए है, ठीक। तो जो ये वाला कॉलम होगा ना, इसमें लिख देना जीरो वन जीरो वन जीरो, ठीक है, जैसे आठ बनानी है ना, तो आठ तक जाना है हमने, ठीक है, एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ, हो गए आठ, है ना। बी टू के लिए दो जीरो लेना, दो बार वन, फिर दो जीरो लेना, दो बार वन। बी वन के लिए चार जीरो लेना, ठीक है, डबल करते जाना जीरो को, चार जीरो और चार वन। अगर यहां पर एक और बी होता तो फिर कितने जीरोस होते, फाइव जीरोस, आठ आठ, डबल कर देना बच्चे, फोर के बाद एट होगा, जैसे पहले एक था, फिर डबल किया दो हो गए, फिर डबल किया चार हो गए, फिर उसके बाद डबल किया तो आठ हो जाएंगे, ठीक है, ये फिलहाल इतना अभी याद रखो। तो अब आपके आठ मिनसेट बनेंगे ना, एक बनेगा ए वन, एक बनेगा ए टू, ठीक है, ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए सेवन और ए एट, ठीक है। मैंने इसी सिंबल को दोबारा यूज कर लिया है क्योंकि इसी के तो मिन सेट है सारे, तो मैंने अब देखो, अब ये आपका ए वन के लिए ना पहली पहली रो यूज करेंगे हम, तो तीनों क्या है, जीरो जीरो और जीरो, इतना याद रखना, जब आपका जीरो आ जाएगा ना आपने उसको कॉम्प्लीमेंट कर देना, ठीक है, जीरो का मतलब उसको कॉम्प्लीमेंट में लिखना है और वन का मतलब है उसको ट्रू फॉर्म में लिखना है। अगली बार आपका जीरो जीरो वन आया तो आपने इसको लिखना है बी वन कॉम्प्लीमेंट, जो जीरो वाले हैं वो कॉम्प्लीमेंट में लिखते जाना,
और जो वन वाले हैं वो ट्रू फॉर्म में लिखते जाना, ऐसे ही आपका ये बी वन कॉम्प्लीमेंट, ये आपका बी टू ट्रू फॉर्म में, बी थ्री आपका कॉम्प्लीमेंट में। समझ गए ना? किसी को कोई डाउट दोबारा पूछ लो एक बार। ये ए वन के लिए पहली रो देखी थी, ए टू के लिए दूसरी रो, ए थ्री के लिए तीसरी, ए फोर के लिए चौथी, ठीक है? तो ये चौथी रो मैं कर रहा हूं अब। किसी का कोई भी डाउट है बच्चे पूछ लो। कोई डाउट नहीं है? मेरा पूरे बनाने की वेट ना करो, क्वेश्चन पूछ लो। सर A3 एक्सप्लेन कर दो। बच्चे A3 के लिए हमने क्या लिया? हमने तीसरी रू देखी, इसमें क्या है? 0, 1 और 0। 0 का मतलब मैंने आपको बताया कि वो कॉम्प्लीमेंट में लिख देना आपने। ये देखो 0 आपका B1 के लिए 0 था तो B1 कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। B2 के लिए 1 था तो 1 को हम ट्रू फॉर्म में लिख रहे हैं तो B2 ही लिखा। B3 के लिए 0 था तो हमने B3 को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिख दिया। इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट। रफ वर्क में ये कर देना बस एक बार, 0 1 0 1 0 1, फिर उसके बाद डबल कर देना, 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर डबल कर देना, 4 0 4 1, ठीक है? इस तरीके से आप बनाते ही जाओगे और बड़े आसानी से आपके बन जाएंगे। देखो नहीं तो बहुत सोचना पड़ता है हमें फिर कि एक एक बार हमने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि एक एक बार कॉम्प्लीमेंट में आए, ठीक है? और कोई कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होगा। आप इसको चेक कर सकते हो बड़े ध्यान से कि कोई भी चीज ना रिपीट नहीं होगी यहाँ पर, आपकी सारी चीजें सही है, रिपीट एक भी नहीं हो रही है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, कोई एक्सप्रेशन ऐसा नहीं है दो बार आ गया है, सारे एक्सप्रेशन एक एक बार ही आए हैं। यू कैन वेरीफाई इट। तो ये देखो आपका रिजल्ट आ गया। इसके बाद अब बड़े ध्यान से अब इसका रिजल्ट भी दिखाना है मैंने। ये देखो अब ये तो एक्सप्रेशन बने ना, रिजल्ट तो अभी तो आया ही नहीं है, तो रिजल्ट के लिए मैं आपको एक का रिजल्ट का बता रहा हूं इसका। देखो बच्चे B1 जो है 135 है, तो यहां पर हम लिखते हैं B1 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ये रफ वर्क में नहीं है, ये फेयर वर्क में करना है, ठीक है? B1 अगर 135 है तो B1 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 2 4 6 7 8, ठीक है? क्योंकि ये हमारा मेन सेट है, ठीक, इसी से बना है, तो इसके सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो इसमें नहीं है। ऐसे ही B2 के कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? 1 3 5 6 7 8, बिल्कुल सही, वेरी गुड। B3 के कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? 1 3 5 1 2 3 3 4 5, बिल्कुल। आप देखो आपके पास B1 भी है, B2 भी है, B3 भी है, B1 का कॉम्प्लीमेंट भी है, B2 का कॉम्प्लीमेंट भी है, B3 का कॉम्प्लीमेंट भी है। आप जो जो एक्सप्रेशन आपको दिए हुए हैं उसमें पुट करो और वैल्यू आप निकाल लेना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल एक करके दिखा देता हूं, जैसे A4 फाइंड आउट करके दिखाता हूं मैं, ठीक। A4 क्या है? B1 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन B3, तो B1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 2 4 6 7 और 8। B2 क्या है? B2 है 2 और 4 2 और 4, और B3 क्या है? B3 है 6 7 8 6 7 8, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 8 कुछ भी नहीं, 5 सर, 5 सर, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। आप तीनों ना एक साथ ना देखना, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है ना तो वन एट अ टाइम करना। पहले इन दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो, इन दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड आउट की तो 2 और 4 आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद इसके रिजल्ट की और 6 7 8 की
इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना, तो यहाँ से फाइव आएगा। इन केस आपकी आपको तीनों को एक साथ देखने में प्रॉब्लम होती है, कोई चक्कर नहीं है बच्चे, दो दो करके कर लो आप। पहले इन दोनों को सॉल्व करो, उसका रिजल्ट लिखो, और फिर तीसरे की इंटरसेक्शन बाद में कर देना। कोई डाउट है तो बच्चे पूछ लो। ऐसे ही बच्चे होम टास्क है, ये सारे के सारे फाइंड आउट करने हैं आपने, ये सारे के सारे फाइंड आउट करने हैं। ओके सर, ठीक है, ओके। और अब हम आगे मूव करते हैं। एक मैं आपको और चीज बता देता हूँ इसके रिलेटेड, मिन सेट के। बच्चे मिन सेट ना पार्टीशन बनाने के बहुत काम आती है। मिन सेट इज वेरी फुल हेल्पफुल इन मेकिंग एंड वेरीफाइंग पार्टीशंस। वो कैसे? इसका जब आप रिजल्ट निकालोगे ना, इसका जब आप रिजल्ट निकालोगे तो आप देखोगे इन आठों में से ना, इन आठों में से कुछ रिजल्ट आएंगे, मतलब कुछ में कुछ ना कुछ रिजल्ट, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और कुछ ऐसे होंगे जिनका रिजल्ट क्या आएगा, फाइव। फाइव वालों को छोड़ देना, बाकी जितने भी आपके रिजल्ट जो कि नॉन एम्प्टी आए हैं वो सारे के सारे देखना, वो पार्टीशन ही बनाते होंगे। ठीक है, मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट से सारे के सारे फाइव आ गए सिवाय ए टू के और ए सिक्स के। ठीक है, तो ए टू और ए सिक्स क्या होगा, ये आपकी पार्टीशन होगी सेट ए की। ये चलो मैं कल भी एक बार दोबारा वेरीफाई, जब आप सारे सॉल्व कर लोगे ना तो वेरीफाई करवा दूंगा। अगला टॉपिक देखे, आई एम गिविंग यू 30 seconds, फटाफट मेरे को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर एक बार प्रीवियस स्क्रीन करना। ये प्रीवियस, अच्छा ये स्क्रीन, yes। बच्चे जो रिटर्न मटेरियल है ना, जो रिटर्न मटेरियल है ये मैं आपको प्रेजेंटेशन डाल दूंगा बीच में, तो यू ain't need to write that। जो मैं ये टाइप, जो मैं ये रेड पेन से लिखता हूँ ना, वो आप जरूर लिख लो या नोट कर लो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये रिटन मटेरियल आपको मिल जाएगा, इसकी वरी ना करो, प्रेजेंटेशन मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, ओके, आगे मूव करूं अब फटाफट बच्चे, फटाफट। ये मैक्स सेट, तो मिन सेट से ना एकदम ही उल्टा है मैक्स सेट। इसको फंडामेंटल सम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल सम। जैसे मिन सेट को बोलते थे फंडामेंटल प्रोडक्ट, वैसे इसको फंडामेंटल सम बोलते हैं। बच्चे अगर लेक्चर खत्म हो गया ना तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक मिनट बाकी रह गया है। तो सेम ही बच्चे डेफिनेशन सेम ही है, जैसे आपकी मिन सेट की थी वैसी ही मैक्स सेट की है। एक ही डिफरेंस है इसमें, ये सिंबल का। उसमें क्या था? इंटरसेक्शन। मिन्स, ये याद रखना, मिन सेट में इंटरसेक्शन होती है और मैक्स सेट में सेम डेफिनेशन बट ऑपरेशन होता है यूनियन का। ठीक है, बाकी सारा सब कुछ मिन सेट जैसा ही है। तो आपने जैसे मैक्स सेट निकालोगे ना, सात बाकी के बचे हुए पिछले क्वेश्चन के, वैसे ही सेम आपने इनके मैक्स सेट भी निकाल लेना उसी क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन के ना, इस क्वेश्चन के। यहाँ पर इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन लगा के मैक्स सेट भी कल निकाल के मेरे को बताना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आएगी तो भी बताना। और मैक्स सेट भी बच्चे, अगर एन आपको सेट दिए हुए ना, तो मैक्स सेट भी 2^n ही होंगे। मतलब अगर आपको तीन सेट सबसेट दिए हुए हैं तो मैक्स सेट भी आपके 8 ही बनेंगे। और इसका पार्टीशन से कोई लेना देना नहीं है, इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है। इज इट ओके? Yes, sir। कोई डाउट होगा कल आते ही मेरे को पूछना, कल आते ही पूछना। ठीक है, मीटिंग इज अबाउट टू